हेलो लर्नर्स, आज का हमारा सेशन है माइक्रो फाइनेंस पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। जो माइक्रो फाइनेंस है, दैट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो एंड फाइनेंस। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा और सूक्ष्म, जिसको कहते हैं। वेयर एज फाइनेंस मीन्स वित्तीय। जब किसी भी कार्य को, व्यवस्था को, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस आवश्यक पूंजी की ज़रूरत होती है, उसको वित्त कहा जाता है। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब है सूक्ष्म वित्त और स्मॉल लोन्स। ये लोन जो होते हैं, ये स्मॉलर जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, या जो हमारे कंट्री के वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है कंट्री का, उनको दिया जाता है, सो दैट दे कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो टर्म माइक्रो फाइनेंसिंग है, ये सबसे पहले यूज़ हुई थी 1970s में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, विच वॉज फाउंडेड बाय द माइक्रो फाइनेंस पाइनियर मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज इन 2006 फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस विद सेटिंग अप ऑफ द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश। इस कंसेप्ट के लिए, इस माइक्रो फाइनेंस कंसेप्ट के लिए मोहम्मद यूनिस को 2006 में नोबल प्राइज मिला। सो माइक्रो फाइनेंस को कि अब हम डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज डिफाइंड एज फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइडेड टू पुअर एंड लो इनकम क्लाइंट्स सो एज टू हेल्प देम इंक्रीज देयर इनकम, देयर बाय इंप्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो माइक्रो फाइनेंस में का मतलब है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो सेविंग, माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो इंश्योरेंस के रूप में ये जो प्रोवाइड की जाती है लो इनकम ग्रुप पीपल को, उसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। देन अब देखते हैं कि इसके क्लाइंट्स कौन होते हैं, कौन ये जो सर्विसेज हैं उनको अवेल करते हैं। द क्लाइंट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस आर लैंडलेस लेबरर्स हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देन उसके अलावा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिजन्स एंड वीवर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इन अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज एंड विमेन। सो ये जो आप कह सकते हो कि दीज आर द मेजर क्लाइंट्स ऑफ दीज माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इज दैट दीज लोन्स आर गिवन विदाउट सिक्योरिटी। सो ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, दे आर कलेट्रल फ्री। कलेट्रल फ्री का मतलब है कि जो बोरोअर्स है उनको किसी तरह की सिक्योरिटी प्लेज कराने की जरूरत नहीं होती, दे कैन गेट लोन वेरी इजीली। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स। सो माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स में आप देखते हैं कि क्या आता है। सो माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट इंक्लूड्स माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो सेविंग्स एंड माइक्रो इंश्योरेंस। सो पहले हम देखते हैं कि माइक्रो क्रेडिट क्या होता है। माइक्रो क्रेडिट, या जिसको माइक्रो लोन भी कहते हैं, दे आर प्रोवाइडेड टू द बोरोअर्स विथ नो कोलेटरल। ये स्मॉल लोन्स होते हैं, छोटे लोन होते हैं जो कि प्रोवाइड की जाते हैं लोगों को विथ नो कोलेटरल। कोलेटरललेस लोन होते हैं, ये कोलेटरल फ्री लोन होते हैं। सो बोरोअर इज नॉट बाउंड टू प्लेज समथिंग एज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन्स। तो बोरोअर को ऐसा कुछ भी सिक्योरिटी प्लेज करने की जरूरत नहीं होती इन लोन्स को लेने के लिए। जो स्मॉल लोन्स हैं, या जिसको माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो लोन बिलो ₹1 लाख होते हैं, दे आर कंसिडर एज द माइक्रो लोन और माइक्रो क्रेडिट। नेक्स्ट है माइक्रो सेविंग। सो माइक्रो सेविंग अकाउंट्स अलाउ एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेट सेविंग अकाउंट विथ नो मिनिमम बैलेंस। सो माइक्रो सेविंग अकाउंट्स में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं विथ नो मिनिमम बैलेंस, मतलब उनको अकाउंट में उनका अकाउंट जीरो बैलेंस से भी स्टार्ट हो जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो सेविंग्स आर दैट द पुअर पीपल एंड स्मॉल बिजनेसमैन विद लो इनकम कैन ऑपरेट देयर अकाउंट विथ नो मिनिमम बैलेंस। सो दीज अकाउंट हेल्प यूजर्स इंकलकेट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड डेवलप एंड इंटरेस्ट इन सेविंग फॉर फ्यूचर। सो इस तरह के जो सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं विद नो मिनिमम बैलेंस, ये एक तरह की फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंकल्केट करते हैं जो बोरोअर्स है, जो अकाउंट होल्डर्स है उनमें एक तरह की सेविंग हैबिट जो है वो डेवलप करते हैं। देन नेक्स्ट है माइक्रो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? सो इंश्योरेंस इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस रेफर्स टू इंश्योरिंग लो इनकम पीपल अगेंस्ट वेरी स्पेसिफिक
type of problems. So the importance of micro insurance is that it is the machinery to protect the poor people from all the mishappenings that might take place in future, for example illness, accident, chronic disease, etc. So iske ilawa jo crop insurance hai, livestock insurance hai, fire insurance, health insurance, theft insurance, life and death insurance, they all found place in the micro insurance. So these insurance plans have lower premium than traditional insurance policies. So इस माइक्रो इंश्योरेंस जो है इनकी इसकी खास बात ये है कि जो प्रीमियम पे किया जाता है वो जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उससे कम होता है. इस इन माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है दैट इज़ कंपेरेटिवली लेस देन द ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज जो लोग लेते हैं. सो दीज आर द थ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस. अब हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस की फीचर्स क्या है. सो फर्स्ट वन इज माइक्रो फाइनेंस डू नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो फाइनेंस लोन जो होते हैं दे आर कोलेट्रल फ्री. क्या होता है था कि होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जब उनसे लोन लिया जाता है तो दे प्लेज समथिंग एज ए सिक्योरिटी. बिना सिक्योरिटी के वो लोन नहीं देते. सिक्योरिटी की फॉर्म में वो ज्वेलरी, अगर लैंड के पेपर है तो लैंड के पेपर, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है उसके पेपर, उसको प्लेज करते हैं और उसके बदले में लोन दिया जाता है. बट माइक्रो फाइनेंस का जो इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि माइक्रो फाइनेंस में इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी प्लेज करने की ज़रूरत नहीं होती बोरर को, और विदाउट एनी प्लेजिंग उनको जो है लोन इजीली मिल जाता है. सेकंड फीचर जो माइक्रो फाइनेंस का है दैट इज़ द बोरर्स आर जनरली पुअर पीपल. सो माइक्रो फाइनेंस के केस में जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज अवेल करते हैं जो ये बोरर्स होते हैं ये जनरली जो पुअर पीपल है या जिसको आप मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं वो अवेल करते हैं. और ये जो मनी इनको दी जाती है यूजली स्मॉल अमाउंट की मनी होती है ये जो एज ए लोन लेते हैं that ranging between 20,000 to 30,000. तो 20 से 30,000 का के रेंज में ये लोन जो है वो वेरी करता है. नेक्स्ट इज द लोन टेन्योर इज शॉर्ट. सो थर्ड जो फीचर है दैट इज कि जो लोन का टेन्योर है, जो लोन जिस टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जाता है दैट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. द टेन्योर ऑफ द लोन इज रियली शॉर्ट एज द अमाउंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू स्मॉल. द बोरर्स हैव टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड गिवन बाय द बैंक्स. नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन इज टू जनरेट इनकम. सो जो बेसिक पर्पस होता है ये माइक्रो फाइनेंस लोन देने का दैट इज कि ये जो लोन दिया जाता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, या तो ये लोन जो है ये इसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करे, उसके बदले में इनकम जनरेट हो और दस दे कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो इस पर्पस के लिए माइक्रो फाइनेंस जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है सो दैट द पीपल कैन जनरेट इनकम एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ लोन एट द चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये जो माइक्रो फाइनेंस ये जो लोन दिए जाते हैं पुअर सेक्शंस को, लोगों को दिए जाते हैं, ये एट अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है. तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ वेरी लेस. अब हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस जो है इंडिया में क्यों, कब और कैसे शुरू हुआ, इसमें नबार्ड का क्या रोल रहा और किन चैनल्स के थ्रू माइक्रो फाइनेंस जो है इंडिया में ऑपरेट होता है. सो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं जनरली दे हेजिटेट और अवॉइड टू प्रोवाइड लोन टू द पुअर पीपल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो दीज लिमिटेशन, ये जो लिमिटेशन थी सिक्योरिटी की लिमिटेशन या जो लोन को जो ये हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी कमर्शियल बैंक को, सो इन लिमिटेशन के कारण so these limitations led to the development of microfinance in India as an alternative to provide loan to the poor people. तो Seva Cooperative जो बैंक था जो कि 1974 में अहमदाबाद गुजरात में ईला भट्ट ने स्टार्ट किया था is considered as the first modern day microfinance institution of the country. इसके बाद नबार्ड जो है, नबार्ड कई तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो जो अनबैंक्ड पीपल है जिनके पास कोई साधन नहीं है लोन लेने का, फाइनेंस का, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता था स्पेशली वुमेन को. तो बाद में नबार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनके साथ नबार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ 10 to 20 members, 10 से 20 लोगों
का ये एक ग्रुप होता है, दो दे शेयर सेम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो अपनी सेविंग है उसको मोबिलाइज करते हैं और एक पूल तैयार कर लेते हैं, और जिस भी मेंबर को लोन की ज़रूरत होती है उस पूल इस पूल में से उसको लोन दे दिया जाता है एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नबार्ड ने क्या किया, 1992 में नबार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, नबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक करना शुरू किया। इसका मतलब एक है कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे इनका जो सेविंग अकाउंट, इनका सेविंग अकाउंट कमर्शियल बैंक्स या अदर जो बैंक्स थे, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनमें इनका अकाउंट ओपन किया गया। अब ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स के मेंबर है, ये इन अकाउंट में अपनी जो सेविंग्स है वो डालते थे, और इसके बदले में बैंक कई जो सेविंग है उसके 3 से 4 गुना इनको उस सेविंग का लोन देता था ऑन द म्यूचुअल गारंटी। म्यूचुअल गारंटी मतलब कि अगर कोई एक मेंबर भी डिफॉल्ट कर जाता है, लोन नहीं वापस करता, तो बाकी जो मेंबर है ग्रुप के वो उसके बिहाफ पे लोन की रीपेमेंट करेंगे। तो ये जो नबार्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट कहा गया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें जो अच्छी बात ये रही कि जो इसका लोन रीपेमेंट रेट था वो काफ़ी अच्छा रहा, और इसके अलावा बैंक को जो कॉस्ट पड़ती थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो पड़ती थी लोन प्रोवाइड करने की, वो भी काफ़ी कम थी। तो इस तरह से ये काफ़ी एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा नबार्ड का। अकॉर्डिंग टू नबार्ड, एज ऑन 31 मार्च 2014 देयर वर अराउंड 74.30 लाख सेविंग लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कवरिंग ओवर 9.7 करोड़ पुअर हाउस होल्ड्स। The total saving of these self-help groups with bank amounted to ₹9,897 crore and involved the participation of regional rural banks, commercial banks and cooperative banks in its operation. तो इसमें ये कमर्शियल बैंक्स के अलावा रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इनके इन बैंक्स में भी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके सेविंग अकाउंट ओपन किए गए। सो द माइक्रो फाइनेंस इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंकिंग सेक्टर बाय द एफर्ट ऑफ नबार्ड। सो इस तरह से जो ये जो माइक्रो फाइनेंस है ये बैंकिंग सेक्टर में भी इंट्रोड्यूस हुआ नबार्ड के एफर्ट से। अब देखते हैं हम कि माइक्रो फाइनेंस चैनल्स, सो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, दीज आर द चैनल थ्रू विच द माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल इन इंडिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया और कैसे ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये वर्क करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू लार्ज कमर्शियल बैंक्स। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में क्या कौन कौन आ जाते हैं। सो इसमें इंक्लूड होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओस कहते हैं, ये भी माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स में आपके रूरल कोऑपरेटिव्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स आ गए, देन क्रेडिट यूनियंस, सो दीज आर द फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स दैट प्रोवाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स, देन कमर्शियल एंड स्टेट बैंक्स, कमर्शियल एंड स्टेट बैंक्स भी माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन इसके अलावा इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज, टेली कम्युनिकेशन एंड वायर सर्विसेज, पोस्ट ऑफिसेज एंड अदर पॉइंट्स ऑफ सेल्स ऑफरिंग न्यू पॉसिबिलिटी। सो दीज आर द डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो फाइनेंस। I hope this session gave you valuable insights about the microfinance in India. So some practice questions are also given in the slide, so you can see them. And till the next session, thank you and happy learning.